अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अहमद नईम ऑफिशियल चैनल। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अगर चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। अच्छा दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं बहरीन सवात के अंदर और हमारा सफ़र आगे रह चलेगा बहरीन से कलाम, और कलाम से जो है ब्लू वाटर की जर्नी है। तो थोड़ा थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया के तौर पर और एक ओवरव्यू दिखा दूंगा मैं सारी जगहों का। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये मेरा होटल है और इसमें मैंने स्टे किया है। अच्छा दोस्तों, फाइनली हम लोग सवात में बहरीन पहुंच गए हैं और इस वक्त मैं अपने होटल में मौजूद हूँ बहरीन के। बस रात को बैटरी लो थी तो मैं डिटेल नहीं बना सका। ये हमारा होटल है, जैसे पीसीएल ने इसको बीसी कर दिया, बहरीन कॉन्टिनेंटल है। अच्छा होटल है काफ़ी। ये आपको नीचे भी नज़र आ रहा होगा, वो हमारी गाड़ी खड़ी हुई है नीचे, ठीक है। और बहुत अच्छा व्यू है इसका, बहुत अच्छा होटल है। तो ये पीछे आप मेरे देख रहे हैं, यहाँ बहरीन में दरिया आ रहा है, पीछे से बह रहा है, ठीक है। और इसके पीछे ये डिफरेंट होटल है मजीद भी इस रोड पे, और ये पीछे का व्यू है पहाड़ी, ठीक है। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा यहाँ पे व्यू है। और आप लोगों ने आके बहरीन स्टॉप करें तो बेहतर है, अच्छा है, काफ़ी अच्छी जगह है। तो बाज़ार है लेकिन इस वक्त शायद सीज़न ऑफ है। और एक और चीज़ दिखाऊँ अगर आप मेरे पीछे, अभी आपको नज़र नहीं आ रही, मैं कैमरा रिवर्स करके आपको दिखाता हूँ, तो शॉपिंग अच्छी हो जाएगी। मतलब शॉपिंग एज सच क्या, लेकिन काफ़ी अच्छा यहाँ पे सामान मिल रहा है। तो आप लोग यहाँ से आ सकते हैं, शॉपिंग करें, का रेस्टोरेंट अच्छे हैं, होटल अच्छे हैं। अब यहाँ से मैं जाऊँगा और कलाम, यानी 1-1.5 घंटे में पहुँचेंगे, और फिर वहाँ से देखते हैं आगे क्या डेस्टिनेशन है। ब्लू वाटर एक जगह है, फिर वापसी ये मालम जब्बा है, तो इन पे होके आते हैं, ठीक है। टिल देन साथ साथ रहें सफ़र पे। ये दोस्तों व्यू है हमारे होटल से और हमारी गैलरी से। ये आपको पीछे थोड़ा थोड़ा सा यहाँ से दरिया भी दिख रहा है बहता हुआ, और ये बड़ा खूबसूरत सा है। होटल है यहाँ पे सामने भी। वो दरिया बहता हुआ आ रहा है, ये हमारा होटल है। हम इस वक्त इसके टॉप फ्लोर पे, इन्होंने ऊपर लॉन्च ऑन बना दिया है। ये नीचे जो है कार पार्किंग है। की गैलरी से वो पीछे आपको जो है ग्लेशियर नज़र आ रहा है, और यही शायद वजह है जिसकी वजह से बहुत ठंड पड़ रही है कि ग्लेशियर है। और दूसरी चीज़ ये दरिया का रुख इधर है, यानी ग्लेशियर और दरिया दोनों, हवा जो है ना इसकी वजह से काफ़ी तेज़ है। और मतलब इवन आपको झंडा सामने दिख रहा है, उससे अंदाज़ा हो रहा होगा हवा की शिद्दत का, और उसमें है बहुत शदीद ठंड। और हम कराची वालों के लिए बर्दाश्त करना अचानक से बहुत ही मुश्किल काम है। अच्छा व्यूअर्स, इस वक्त आप ये देखें पानी की ट्रांसपेरेंसी कितनी ज्यादा है, कितना शफाफ और क्लीन ठंडा पानी है। अच्छा दोस्तों, अब कुछ धूप पड़ी है ना, यकीन करें जिंदगी में कुछ सुकून आया। तो
काफ़ी ठंड थी सुबह, अब धूप आना शुरू हुई है। तो अब ये कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं और इस वक्त जा रहे हैं कलाम। अब कलाम जाके देखते हैं क्या सूरत हाल है, आगे कौन सा पॉइंट है या क्या बेहतर रहेगा। फिलहाल नीचे डबल फ्लोर पर तैयारी करें, बल्कि और भी लोग यहाँ पर विजिट के लिए निकल रहे हैं। तो सफ़र को आगे बढ़ाते हैं इंशाल्लाह और देखते हैं आगे फर्दर व्यूज़। अच्छा दोस्तों, इस वक्त मौजूद हैं हम दरियाए सवात के ऊपर और बहरीन से थोड़ा सा आगे ये पॉइंट है। बहुत ही खूबसूरत मंजर है, मेरे पीछे आप दरिया को देख रहे हैं जिस रवानी से ये बह रहा है। और ये देखें पीछे, अब मुझे धूप की वजह से ज़्यादा अंदाज़ा नहीं हो रहा, लेकिन लग रहा है दरिया की जो है क्लियर व्यू आ रहा होगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का व्यू है, मैंने सोचा रुक के यहाँ पे आप लोगों को भी थोड़ा इस व्यू को दिखाया जाए। और बहुत ही ज़बरदस्त मौसम हो रहा है, पीछे का व्यू पहाड़ जो है, ऊपर के पहाड़ों पे बर्फ़ है कुछ। तो अभी कलाम की तरफ जा रहा हूँ मैं, तो रास्ते में पता नहीं दोबारा ऐसा मंजर मिलता है क्या होता है, लेकिन बहरहाल बहुत ही खूबसूरत और दरिया की आवाज़ और शोर जो है आला, मतलब कमाल का है। दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूँ दरिया सवात के ऊपर और बहुत ही तेजी से रवानी से ये दरिया बह रहा है। बिल्कुल साफ शफाफ पानी, खूबसूरत नज़ारे, हसीन वादी। बहरीन के बिल्कुल मैं साथ ही हूँ अभी, मेरा सफ़र जैसे आगे जा रहा है। तो इट्स अ ब्यूटिफुल व्यू ऑफ द रिवर और वैली और पहाड़ और इनकी खूबसूरती और ठंडी हवा यहाँ पे, तो एक बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है। दोस्तों इस वक्त हम जो है कलाम के बिल्कुल पास हैं और ये रास्ते में एक वैली है बड़ी खूबसूरत सी, तो मैंने सोचा है क्यों ना इसका एक व्यू लिया जाए और आप लोग भी देखें। रास्ते की तो मूवी मैंने बनाई है, ये देखें जी इस तरफ पीछे भी जो है पहाड़ हैं, इनकी टॉप पे थोड़ी थोड़ी सी बर्फ पड़ी हुई है, ठीक है, जो शायद आपको नजर आ रही हो। तो यहाँ खेती बाड़ी चल रही है। इस जगह का नाम है पिशमाल, पिशमाल सवात, ठीक है। ये देखें खूबसूरत वादी, खूबसूरत पहाड़, मतलब कमाल के, अमेजिंग अमेजिंग, मतलब पिशमाल सवात, ऊपर सारी बर्फ पड़ी हुई है। ये देखें जी फार्मिंग हो रही है यहाँ पे।
अच्छा दोस्तों, ये है सवात का कालाम और ये कालाम का व्यू, ये ग्लेशियर्स ऊपर बर्फ पड़ी हुई है यहाँ पे तमाम, और ये आप यहाँ पे देख सकते हैं रिवर चल रहा है साइड में। ठीक है, ये यहाँ पे लोकल आबादी है कुछ। बाकी ये हमारा जो है यहाँ पे सिटिंग एरिया, यहाँ पे खाएं पिए, बहुत अच्छा व्यू और इंजॉय करें, रिवर और जो है हिल एरिया दोनों आ रहे हैं यहाँ पे। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अच्छा फ्रेंड, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं ब्लू वाटर के रास्ते में, कलाम से ऊपर की ये वैली है, बड़ी खूबसूरत वैली है, पीछे आपको नज़र आ रहे होंगे काफ़ी यहाँ पे दुम्बे घूम रहे हैं यहाँ पे वैली के अंदर, और बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का जो है व्यू है यहाँ पे। तो फॉरेस्ट है बेसिकली, अगर आप ये देखें मेरे पीछे ये रोड है और ये पूरा फॉरेस्ट है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का व्यू आ रहा है। ये जो व्यू नज़र आ रहा है ये बेसिकली ओशो फॉरेस्ट है और उसके साथ ही की वैली है, और ये वैली के अंदर सैकड़ों की तादाद में जो ये दुम्बे घूम रहे हैं चक्की वाले, ये केपीके के एक ख़ास स्पेशलिटी भी, अगर इनको बनाते हैं लोग पसंद करते हैं, यहाँ पे इनकी फार्मिंग करते हैं तो। और ये नेचुरल जो वैली में घूम रहे, खूबसूरत नज़ारा, कुदरती मतलब कुदरती शाहकार कह लें आप इसको, इट्स अमेजिंग व्यू, हाईली रिकमेंडेड प्लेस है टू विजिट। इस वक्त हम लोग कलाम से मूव कर रहे हैं ब्लू वाटर के लिए, और बहुत ही कच्चा रास्ता है, अमेजिंग किस्म का व्यू है, जो जो है यहाँ पे स्टील स्ट्रक्चर का ब्रिज नज़र आ रहा है, और सामने जो है बर्फ़ से ढके पहाड़, बहुत ही खूबसूरत वादी है ये, और जो चश्मा बह रहा है ये बेसिकली ब्लू वाटर से आ रहा है, ड्रिंकिंग वाटर है ये, पी सकते हैं, साफ़ सुथरा पानी है, और ये वही जगह है जहाँ पे मिलिट्री ऑपरेशंस हुए थे, जहाँ पे सवात में तालिबान वगैरह का मसले मसाइल थे, लेकिन अब ये प्योर और बिल्कुल सेफ प्लेस है, मस्ट विजिट। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कलाम से ऊपर एक जगह है, अगर आप ब्लू वाटर की तरफ जाते हैं तो एक बड़ा अच्छा ये कॉटेज है यहाँ पे, रिलैक्स कॉटेज के नाम से, आप मैं आपको दिखा दूँ, मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा है, ये बाजार से थोड़ा हट कर है, यानी पीसफुल है, पुरसकून है, बड़ा अच्छा सा बना हुआ है, सिक्योर है, बाउंड्री वॉल के अंदर है, व्यू बहुत अच्छा है, पीछे वो देखें ग्लेशियर्स भी दिख रहे हैं, जब मेरे बालों में मर जाए टोपा लगाने की वजह से जो है सब आउट हो चुका है मामला, और ये बड़ा खूबसूरत व्यू आ रहा है, तो यहाँ पे भी स्टे किया जा सकता है, तो बहुत अच्छी जगह है, बहुत रिलैक्स, वाकई रिलैक्स है, मतलब नाम गिनी है, तो पार्किंग भी है, ये मेरे पीछे आप देखें यहाँ गाड़ी खड़ी है, और वो जो है ग्लेशियर ग्लेशियर बड़ा अच्छा साफ सुथरा सा है भाई, ठंड बहुत है, तो भाई ये रात को मतलब -3 डिग्री चल रहा है यहाँ कलाम में ना, तो पीछे जो ग्लेशियर है पता नहीं नजर आ रहे नहीं आ रहे बारे, लेकिन और साथ में दरिया बह रहा है ब्लू वाटर, बाकी देखते हैं अभी ब्लू वाटर की भी आपको वीडियो दिखाते हैं चल के। हमारा वापसी का सफ़र इस वक्त शुरू हो चुका है ब्लू वाटर से,
तो काफी इंजॉय किया हमने, खूबसूरत वैली और बहुत ही जबरदस्त पहाड़ देखे, मजा आया। इट वॉज अमेजिंग ट्रिप। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव भी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से खुदा हाफिज़।